जनपद श्रावस्ती गिलौला ब्लॉक के मोहनापुर गांव में लोगों को आवास नहीं मिला था, जिसका हमने एक साल पहले एक वीडियो बनाया। उस वीडियो के माध्यम से समुदाय को जागरूक को संगठित करते हुए इस समस्या पर बदलाव ला पाया। हमारी समस्या यह है कि हमारे गांव में जो 2015 में जो भयंकर बाढ़ आई थी, पूरा अपना घर कुरिया सब नष्ट हो गया था, तो उसी में हम लोगों को अभी तक आवास नहीं मिल पाया सरकार की तरफ से। तो अब हम लोगों को आवास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर लोग ऐसे रातों दिन रहते हैं, ठंडी इतनी ठंडी हवाएं चलती हैं, फिर भी लोग इसी में निवाह करते हैं। का गांव पहले कट गया था नदी के कटान में, इसके बाद रईस भाई हमारे संपर्क में आए और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने मीटिंग करवाई। मीटिंग के बाद वो जिला स्तर पर एक आयोजन मतलब कार्यशाला का आयोजन किया गया, उसमें जिलाधिकारी महोदय को उससे संबंधित ज्ञापन दिया गया, जिससे हमारे गांव में यानी कि लगभग 60% लोगों को इंदिरा आवास और लोहिया आवास आदि दिए गए और कुछ लोगों को अभी नहीं मिल पाया, लेकिन उनकी लिस्ट रईस भाई बता रहे हैं कि उनका भी वहां पड़ा हुआ है और वो चुनाव के बाद में वो भी फाइनल हो जाएगा। लोग आपको धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों क्या समझ आपके लोगों से हमको नया आवास मिला, हमारे बच्चे परिवार सुखी रह रहे हैं और हमारे गांव वाले रईस भाई को धन्यवाद देते हैं और उनकी संस्था को धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं संस्था हमेशा अग्रसर रहे और अच्छा कार्य करती रहे। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं, समुदाय के सहयोग से बदलाव लाता रहूं। मैं रईस अहमद, उत्तर प्रदेश जिला श्रावस्ती, इंडिया अनहार्ट के लिए।